हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। अभी है सुबह का टाइम फ्रेंड्स, और मैं आ गई हूँ छत के ऊपर। देखिए, ये हमारी छत है। मैं यहाँ पर आ गई हूँ सुबह सुबह और बहुत लेट से उठी हूँ फ्रेंड्स। यहाँ आने से ना बहुत ज़्यादा लेट से उठती हूँ। घर में तो आप जानते हैं बिल्कुल टाइम से उठ जाती हूँ मैं, और यहाँ है ना अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और मैं अभी उठी हूँ। और मैंने ब्रश भी नहीं किया है, और ब्रश नहीं किया है, मैं सीधा ऊपर आ गई हूँ। और आके ही मैंने ना मोबाइल को यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है कि आपसे मैं बात करूँ फ्रेंड्स। तो बहुत अच्छा, मैं यहाँ पे आके ना बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ। मतलब मुझे कोई भी टेंशन नहीं रहता है, और स्कूल जाना है, रेडी होना है, 5:30 बजे उठना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं बिल्कुल यहाँ पर आके ना फ्री हो जाती हूँ। जितने दिन भी मैं रहती हूँ, ज़्यादा मैं नहीं रहती हूँ, या 2 या 3 दिन ही मैं रहती हूँ, तो मैं है ना बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ। और देखिए, मैं अभी उठी हूँ नींद से, और मैंने अभी तक ब्रश वगैरह भी नहीं किया है। मैं आपसे कर रही हूँ बात फ्रेंड्स, और हर बस मैं सोच रही हूँ कि आज मैं आपको मेरे मायके का होम टूर कराऊँ। मैं आपको दिखाऊँ मेरा मायके कैसा है। छोटा सा ही है, प्यारा सा मेरा मायके है। मैं उसका आपको होम टूर कराऊँ, ऐसा मैं सोच रही हूँ फ्रेंड्स। और अभी है ना मैं छत के ऊपर खड़ी हूँ। ये हमारी छत है और ये हमारी कॉलोनी है। पीछे आप देख रहे होंगे, ये हमारी कॉलोनी है। बस आपको यहाँ पर बिल्डिंग दिखेंगे, यहाँ पे आपको पेड़ वगैरह नहीं दिखेंगे, बहुत ही कम दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर है ना सिर्फ बिल्डिंग आपको दिखेंगे फ्रेंड्स। सिर्फ हमारा जो घर है ना, हमारे घर में ही पेड़ है। मैं आपको दिखा रही हूँ पीछे तरफ, देखिए ये देखिए, बस हमारे घर में ही बहुत सुंदर पेड़ है, और पूरा हरा भरा है हमारा घर ही। छत से बिल्कुल बाजू में ही है, देखिए पूरा पेड़ आपको दिख रहा होगा, लेकिन आपको इधर नहीं दिखेगा, इधर ना सिर्फ बिल्डिंग ही दिखेगा। और ये मेरी कॉलोनी है, और मैं यहीं पे बड़ी हुई हूँ, और मेरा बचपन यहीं पे बीता है फ्रेंड्स। तो बस देखिए, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पर आकर। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए इधर से रास्ता है, इधर से गली है और बाहर तरफ जाने के लिए। इधर देखिए, मम्मी ले रही है दूध, दूध वाला आ गया है, तो मम्मी यहाँ पर दूध ले रही है उनसे। फ्रेंड्स, तो बस मैं आपको अभी अपना होम टूर दिखाने वाली, मतलब मेरे मायके का होम टूर मैं आपको दिखाऊंगी फ्रेंड्स। और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और हर साल मैं अकेली आती हूँ मायके, इस बार आप सभी मेरे साथ आए हैं, तो मुझे और ज़्यादा खुशी हो रही है। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं नीचे, और मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है घर हमारा। सबसे पहले हम अंदर जाएंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर बड़ा सा गेट है घुसने से पहले। ये मेरा मायके का सामने का लुक है, और ये सबसे बड़ा सा गेट है। तो इसके अंदर हम लोग जाएंगे, और सबसे पहले यहाँ पर है ना बहुत सारी जगह है गाड़ी वगैरह रखने की। और इस तरफ है बगीचा, देखिए यहाँ पर फूलों का बगीचा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत अच्छे अच्छे फूल के पेड़ है यहाँ पर। और यहाँ पर गाड़ी रखने की जगह है, और अभी हम लोग जाएंगे अंदर। सबसे पहले हॉल रूम से के पास ही मंदिर है फ्रेंड्स। ये देखिए यहाँ पर मंदिर है, यहाँ पर माँ पूजा करती है। तो ये हमारा मंदिर घर है छोटा सा, और ये है मेरे पापा की फ़ोटो, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये है मेरे पापा की फ़ोटो, देखिए ये मेरे पापा है, और मैं इन्हें बहुत बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। मेरे पापा बहुत ज़्यादा अच्छे थे। ये मेरे पापा की फ़ोटो है मंदिर के पास ही। बस हम अभी निकल जाएंगे, और इधर है रूम, इधर हम लोग अंदर जाएंगे। अंदर घुसते ही यहाँ बड़ा सा रूम है, जहाँ पर है ना सोफ़ा वगैरह लगे हुए है, टीवी वगैरह लगा हुआ है, यहाँ पर बैठ के सब लोग टीवी वगैरह देखते हैं। और इधर से पास में आपको दिख रहा होगा वो, और एक दो बेडरूम है उसके अंदर। यहाँ एक तरफ बेडरूम है, और इस तरफ और एक बेडरूम है, वहाँ पर भाई मम्मी वगैरह रहता, मतलब उन लोग का बेडरूम है अंदर में। और ये हॉल रूम है बहुत बड़ा सा, मतलब बैठने का, और यहाँ पर बैठ के बस टीवी वगैरह देखते हैं फ्रेंड्स। और इस तरह से सजा के रखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर एक बेड है, अलमारी है, और बस आपको तो दिख ही रहा होगा मैं क्या बोलूँ, बस आप लोग देख लीजिए। और इधर से जाते हैं अंदर में, बेडरूम है उनका, और इधर से लगा हुआ बिल्कुल किचन रूम है ये हमारा।
बहुत पहले के डिज़ाइन का घर है, मेरे पापा के टाइम का, मतलब मेरे पापा बनाए थे उस टाइम के डिज़ाइन का है, तो ज़्यादा यूनिक तो नहीं है फ्रेंड्स, बस यही छोटा सा हमारा घर है। और अभी मैं आ गई हूँ फिर से छत के ऊपर, क्योंकि मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए। और ये हमारे चारों तरफ ये कॉलोनी है, और जब मैं छोटी थी फ्रेंड्स, मतलब जब मैं यहाँ पे थी तो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं थी, यहाँ पे सब छोटे छोटे बिल्डिंग थे, लेकिन अभी है ना बहुत बड़ा सा ही हो गया है, बड़े बड़े बिल्डिंग आपको दिख रहे होंगे। और इधर से रास्ता है, इस तरफ से रास्ता है, तो इस तरह से ये छोटी सी कॉलोनी मतलब हमारी है। और प्यारा सा मेरा ये मायके है फ्रेंड्स, बस ज़्यादा कुछ नहीं है दिखाने के लिए, पर जो भी है मैं उसी को आपके साथ शेयर कर रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ मैं, कि मैं आई हूँ तो आपको मैं दिखाऊँ। फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा मेरे मायके, आप लोग अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और ये है ना, जब मेरे पापा थे तभी उन्होंने ये घर बनाया था, तभी से ये घर ऐसा है, तो थोड़ा सा पुराना है लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्यारा है फ्रेंड्स। और अभी है ना भाई जॉब करते हैं, तो बस अभी बनाएंगे ऐसा सोच रहे हैं वो। और ये मेरे पापा के टाइम की का घर है, इसी पे हम लोग बड़े हुए हैं, हमारा बचपन इसी में बीता है फ्रेंड्स। तो मुझे तो बस यादें इसमें जुड़ी हुई है, पापा की, पापा नहीं रहे तो पापा की यादें इसमें बहुत सारी जुड़ी हुई है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है फ्रेंड्स। और छोटा सा ही है मेरा मायके, तो आप लोगों को मेरा मायके कैसा लगा आप लोग अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और बस फिर कल है राखी, तो मैं आपको दिखाऊंगी राखी का ब्लॉग भी, मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगी फ्रेंड्स। सबसे मिलाऊंगी, मेरे फैमिली में कौन कौन है मैं आपसे ज़रूर मिलाऊंगी फ्रेंड्स। तो आज ये छोटा सा ब्लॉग मैंने शेयर किया है, प्लीज़ अपने कमेंट्स में बताइएगा कि कैसा लगा आपको। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।